जय माता दी फ्रेंड, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगी कि नवरात्रि के प्रथम दिन की पूजा कैसे करें। प्रथम दिन की पूजा की संपूर्ण विधि आज मैं आप लोगों को सरल तरीके से बताऊंगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो जय माता दी कमेंट करके लिख देना। तो फ्रेंड, इस तरह की चौकी अगर आपके घर में है तो साफ सुथरी कोई भी घर का कोना हो वहाँ इस तरह की चौकी पहले आप बिछा ले, उसके ऊपर आप लाल कपड़े डाल ले, लाल कपड़े या आसन कुछ भी आप उसके ऊपर डाल ले इस तरह से। तो यहाँ देखो कि यहाँ लाल कपड़े डाल, अच्छे से सजाना है, अच्छे से सजाना है क्योंकि हमें यहाँ पर दुर्गे मम्बे को स्थापित करना है। आप अपने सुविधा अनुसार आपको जितना शक्ति है उस अनुसार आप यहाँ पर अच्छे से सजा ले। तो सजाने के लिए देखो कि आप चाहो तो अक्षत से भी आप सजा सकते हो, क्योंकि पूजा में ना अक्षत का ज्यादा ही यूज होता है। तो अक्षत डालने के बाद हम इस पर थोड़े थोड़े से फूल भी डालेंगे। तो फूल 10-20 रुपए में फूल मिलता है, तो दुर्गा पूजा के टाइम में आप फूल जरूर से लेके आए। और आप चाहो तो लाल पीला कोई भी तरह का फूल आप यहाँ पर रख ले, क्योंकि यहाँ हमें दुर्गे माँ को स्थापित करनी है। आपके पास अगर मूर्ति है तो, या फिर अगर आपके पास दुर्गे माँ की इस तरह की फोटो है तो इस तरह की फोटो को आप यहाँ पर स्थापित कर लेंगे इस फूल पे अच्छे से, और चुंदरी को इस तरह से रख लेंगे, स्थापित कर लेंगे दुर्गे माँ को। तो उसके बाद हमें यहाँ पर कलश रखना है, फिर हमें सबसे पहले गणेश भगवान की पूजा करनी है, फिर हमें जौ की खेतरी के लिए यहाँ पर जौ का रखना है। तो यहाँ पर हम रखेंगे कलश। तो कलश रखने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर थोड़े से अक्षत डालेंगे, और अक्षत डालने के बाद आप इस तरह से डिजाइन चाहो तो बना सकते हो या फिर ऐसे ही अक्षत से कर सकते हो। यहाँ पर हम रखेंगे कलश। तो कलश बनाने के लिए आप चाहो तो मिट्टी के बर्तन ले सकते हो, या फिर अगर आपके पास तांबे के पीतल के कोई भी लुटकी है, कोई भी कलश है, तो उसमें भी आप भर के पानी, कंठ भर पानी आप उसमें डाल के यहाँ पे आपको रखना होगा। यहाँ है मेरे पास पीतल का ये हमारे पास एक कलश है। तो इस तरह की कलश हर हर घर में रहता है। अगर बच्चे लोग, आप लोग मिट्टी के बर्तन नहीं खरीद के ले पा रहे हो, तो इस तरह के अगर आपके पास पीतल के लोट की कलश है तो उसे आप लोग ले ले। उसमें हम लोग यहाँ पर आम के पल्लों पे आप स्वास्तिक का चिन्ह बना ले। मैं इसे पिछले वीडियो में आप लोग को दिखाई हूँ, आप जाके उस वीडियो को देख लो। तो स्वास्तिक का चिन्ह आप सारे आम पल्लों पे बना ले, और कलश में इस तरह से जो मौली धागा है वो हमें 5 से 7 बार हमें उसे बांधनी है, और इस जगह पे हमें इसे स्थापित करनी है कलश को। कलश के अंदर मैंने डाला एक सुपारी, एक लौंग, एक इलायची, एक रुपया का क्वाइन और फूल, और थोड़ी सी अक्षत को हमें इसके अंदर डाल देना है। कलश में पानी जब भी हम रखें कंठ तक रखेंगे, क्योंकि ये जो कलश का पानी है हमें 9 दिनों तक रखना है, तो इसलिए इसमें हमें इसे पानी, इसके ऊपर हमें डालना है नारियल। तो नारियल को देखो कि मौली धागा से 3 से 4 बार हमने यहाँ पर बांध लिया है। उसके ऊपर हम यहाँ पर बना लेंगे स्वास्तिक, और इसका जो ये मुंह है ये ऊपर की तरफ मुंह रहेगी, और ये जो नीचे वाली नीचे की तरफ रहेगी। इसको आप लोग ध्यान रखें कि हम लोग को नारियल ऐसे नहीं रखना है, ऐसे रखने से अब अगर शुभ कार्य के लिए अब आप पूजा कर रहे हैं तो अशुभ हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं रखें नारियल को। हमें स्थापना के बाद हम यहाँ पर गणेश भगवान को स्थापित करेंगे, क्योंकि कोई भी पूजा में गणेश भगवान की सबसे पहले हमें स्थापित करना होता। तो यहाँ पर हम डालेंगे थोड़ी सी अक्षत, अक्षत में ही हम थोड़ी सी डालेंगे, यहाँ पे फूल डाल देंगे, और यहाँ पर हम स्थापित करेंगे गणेश भगवान को। गणेश भगवान के आपके पास कोई भी छोटी सी मूर्ति हो तो आप उन्हें यहाँ पर स्थापित करें। वस्त्र स्वरूप आप चाहो तो इन्हें जनेऊ दे सकते हो, या फिर मौली धागा कुछ भी आप इन्हें जो आपके पास संभव हो। अगर आपके पास जनेऊ नहीं है तो मौली धागा भी आप जरूर से इन्हें अर्पित करें। उसके बाद हम यहाँ पर करेंगे जौ डालेंगे, जौ की खेती। आप चाहो तो कलश के नीचे भी मिट्टी डाल के वहां भी आप जौ की खेती कर सकते हो, या अगर आप चाहो तो घर के किसी, मतलब जहां आप पूजा कर रहे हो उसके नीचे साइड में कहीं भी नीचे में भी आप मिट्टी डाल के कर सकते हो। पर यहाँ मैं दिखा रही हूँ कि आप थोड़े कम जगह में, बहुत कम अगर आपके पास जगह है तो वहां पर आप कैसे करें। तो वहां देखो कि मैंने यहाँ पर डाल दिया है अक्षत। उसके बाद हम यहाँ पर मिट्टी में इस तरह से जौ डाल लेंगे, उसे इस तरह से ऐसे मिला लेंगे, थोड़ी थोड़ी सी पानी भी इसमें डाल देंगे ताकि इसमें अच्छे से हो सके, और इसे हम लोग यहाँ पर डालेंगे इस तरह से। उसके बाद हम दुर्गे माँ को फूल चढ़ाएंगे, जो भी आपके पास फूल है वो आप फूल चढ़ा दोगे, एक कलश के ऊपर भी आप फूल रख दे इस तरह से, एक फूल आप यहाँ पे डाल दे जौ के पास। उसके बाद हम यहाँ पर अम्बे गौरी को प्रसाद चढ़ाएंगे। प्रसाद में आप बताशा चढ़ा सकते हो, अगर आपके पास मिठाई नहीं है, मिठाई फल है तो मिठाई फल जो भी आपके पास है वो सब कुछ आप अम्बे गौरी को प्रसाद चढ़ाए। अम्बे गौरी को श्रृंगार
रखेंगे तो अभी इस तरह की अगर आपके पास कोई डलिया है तो डलिया में रख ले, या कोई प्लास्टिक में अगर आपके पास है तो उसमें भी आप डाल सकते हो। आप लोग अपने अनुसार डाल सकते हो। तो यहाँ देखो अलते, बिंदी, चूड़ी, सिंदूर और नेल पॉलिश। अगर आपके पास ज्यादा सामान है तो बस आप इतना सामान सिंदूर, बिंदी और चूड़ी जरूर से अम्बे गौरी को चढ़ाए। उसके बाद हम इन्हें दिया दिखाएंगे। तो दिया में आप कपूर जरूर से जलाए, अम्बे गौरी के पास कपूर जरूर से जलाए, कपूर से आरती करें। और आप लोग जो भी चीज की तैयारी कर रहे हो, जिसकी पढ़ाई कर रहे हो, आप जॉब कर रहे हो तो आपके जॉब में सफलता हो, पढ़ाई में आप अच्छे नंबर से पास हो, कुछ भी आपकी जो भी मनोकामना है वो सब पूर्ण करे दुर्गे अम्बे। तो अच्छे से आप अम्बे गौरी को आरती करके रख ले और अच्छे से भगवान जी को हाथ जोड़ के प्रणाम करके आप अम्बे गौरी से जरूर से बोले कि अम्बे गौरी मैं अपने श्रद्धा पूर्वक पूजा किया हूँ या की हूँ, जो भी मेरी पूजा को आप लोग स्वीकार करें, मुझसे जो भी गलती हो गई है उसे हमें माफ कर दे, अपने बच्चे समझ के हमें माफ कर दे। और मैं पूरे श्रद्धा से पूरे दिल से आपकी पूजा की हूँ, 9 दिनों तक मैं संकल्प ले रही हूँ कि 9 दिनों तक मैं आपकी पूजा पूरे श्रद्धा से अच्छे से करूंगा, साफ सुथरे तरीके से करूंगा। और आप लोग सुबह सुबह उठ के नहा धो के पूरे घर को पूजा रूम को अच्छे से साफ सुथरा करके डेली आप 9 दिनों तक पूजा करें, सुबह की पूजा करें, शाम में भी आरती जरूर से दिखाएं, दुर्गा चालीसा जरूर से पढ़ रहे। अगर आप लोग दुर्गा पाठ नहीं कर पा रहे, आपके पास टाइम नहीं है, स्कूल कॉलेज जाना होता है, अगर आप लोग पास टाइम नहीं है तो आप दुर्गा पाठ नहीं कर सकते, तो दुर्गा चालीसा भी जरूर आप लोग करें। अम्बे गौरी को शाम में दिया जरूर से जलाए और कपूर जरूर से जलाए, धूप जरूर से जलाए। और जैसे मैंने बताया सिंपल तरीके से, आप लोग कितना भी बिजी हो गए ना, 5 मिनट जरूरी निकालोगे, क्योंकि मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोगों को बताया है कि दुर्गा पूजा कैसे करते हैं, कल से स्थापना कैसे करते हैं। फ्रेंड अगर आज की वीडियो अच्छी लगी तो हमें जय माता दी कमेंट करके जरूर लिखना। धन्यवाद।